हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है सोशल हीलिंग विद शैरो। और आज मैं आपके लिए करने वाली हूं करंट फीलिंग पर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, क्या वो सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या उनकी करंट फीलिंग है, क्या वो आपकी तरफ आ रहे हैं, हाँ तो कब और नहीं तो क्यों। ओके, और नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे आपकी तरफ क्या होगा। ओके, और ये जर्नल रीडिंग है गाइस, हर किसी से रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं, जितने पर्सन भी आपसे रेजोनेट हो उतना आपको रखना है, बाकी का आपको जाने देना है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग होती है। ठीक है, क्योंकि हज़ारों लोग इसको देखते हैं तो हर किसी से रेजोनेट होना ये तय नहीं होता है। ठीक है, तो जितना भी पर्सन आपसे रेजोनेट हो उतना आपको रख लेना है, बाकी का आपको जाने देना है। ओके गाइस, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे सेकेंड यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, उसकी लिंक आपको फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों ही मिल जाएगी। ठीक है, उसमें भी सेम टैरो का रीडिंग होती है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके गाइस, मुझे जस्ट अभी 111 दिखा है, सो सबसे पहले आपको गॉड ब्लेस यू। ओके, एंजल्स आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। ओके, और आपकी हर विश पूरी हो। अगर आप कोई भी विश मांगना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं, पहला कार्ड आ चुका है। ठीक है, तो पहला कार्ड है आपका 10 of Wands। ठीक है, फायर साइन है आपका एरीज लियो सैजिटेरियस, और देखते हैं हम। ओके, एंड देन है आपका फिर मैजिशियन। ओके, ये है आपका वाटर साइन। वाओ, एम्प्रेस। किंग ऑफ कप्स, मैंने क्वीन ऑफ कप्स बोला तो हो सकता है क्वीन ऑफ कप्स भी आ सकती हैं, इनकी वाइफ है क्वीन ऑफ कप्स। लेट्स सी, किंग ऑफ सोर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, यहाँ लिब्रा है, वाटर साइन कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो है। फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस 8 of Wands। ओके, एक्सक्यूज मी, फाइव ऑफ पेंटिकल, व्हाई इज फाइव ऑफ पेंटिकल हियर, व्हाई इज फाइव ऑफ पेंटिकल हियर। Ace of Swords, bottom में आपका सेवन ऑफ वॉन्स, टू ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्स, किंग क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, जहाँ तक है यहाँ पे सारे ही किंग एंड क्वींस शो हो रहे हैं। ओके, इनको मैं ज़रा सा साइड में रख देती हूँ। ओके, तो गाइस यहाँ पे बॉटम में आपका 7 of Wands और यहाँ पे पहला कार्ड आपका 10 of Wands है। तो ये एनर्जी क्या बता रहा है, यहाँ पे आपने एक बहुत अच्छी चॉइस की है और वो चॉइस तारीफ़ काबिल है। मैं आपको बताती हूँ क्या, जब आपके पार्टनर की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा बैक स्टेप मिला, ब्लॉक कर दिया गया, आपको इग्नोर किया गया, वो इंसान आपकी तरफ बिल्कुल भी एक्शन नहीं ले रहा था, आपको इग्नोर कर रहा था, तो तब ऐसे में जब इस इंसान ने आपको छोड़ दिया, डिटैच हो गया ये इंसान आपसे, देन आपने यहाँ पर इस इंसान के पीछे भागने और इस इंसान के पीछे रोने के बजाय आपने मूव ऑन करके अपनी लाइफ पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी समझा, जो एनर्जी एक्चुअल में बहुत अच्छी थी। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, यानी कि जो एनर्जी मैं बता रही हूँ वो आपकी एनर्जी है, आपके पार्टनर, जो आपके पार्टनर मैं बोल रही हूँ, अगर वो पार्टनर की एनर्जी आपकी है और आपकी वाली एनर्जी पार्टनर की है, तो रोल्स रिवर्स हो जाते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कर लीजिएगा। ठीक है, इस रीडिंग को सेम जेंडर्स, मैरिड अनमैरिड कमिटेड कोई भी देख सकता है, बस सिंगल्स के लिए नहीं है।
सिंगल के लिए मैंने कल ही जो है वीडियो आई थिंक या अपलोड की थी, तो आप वो देख सकते हैं। इस चैनल पे है पिकअप आइल और सेकंड वाले पे है कलेक्टिव, तो आपको जो पसंद है आप वो जाके देख सकते हैं। लिंक आपको कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उस लिंक पे सीधे क्लिक करते ही आप मेरे चैनल पे पहुंच जाएंगे, वहां से जाते ही आप उस रीडिंग को देख सकते हैं। नहीं तो आप कम्युनिटी सिस्टम पे जाएं, पहले वाले चैनल पे जिस पे मैं वीडियो टैरो का रीडिंग करती हूँ, वहाँ पे मैंने सिंगल्स के लिए कलेक्टिव रीडिंग पोस्ट की है, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर आपने उस इंसान के पीछे भागने के बजाय यहाँ पर अपनी लाइफ को आगे बढ़ना, आगे बढ़ाना ज़्यादा समझा। आपने अपनी तरक्की, अपने एक क्वीन वाली, एक एम्प्रेस वाली एनर्जी को आपने मैनिफेस्ट किया और उसी को फॉलो किया। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज मजिशियन के जस्ट बाद यहाँ पे एम्प्रेस है। इस वजह से मैं कह रही हूँ कि आपने अपनी लाइफ में खुशियाँ, इंडिपेंडेंट और इन सबको आपने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, खींचा है आपने अपनी एनर्जी से इन सारी चीज़ों को अपनी तरफ, और आपने अपनी लाइफ में खुद से प्यार किया और हमेशा क्लियर रहे, किंग ऑफ सॉर्ड से हमेशा क्लियर रहे कि जो इंसान मेरे लिए लॉयल नहीं होगा, जो इंसान मुझे सेवन ऑफ वॉन्स की एनर्जी में रखेगा, जो इंसान मुझसे मूव ऑन करके जाएगा, मुझसे बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं रखेगा, मैं उस इंसान को कट कर दूंगी हमेशा के लिए, ठीक है। और अगर वो इंसान फिर से आने की कोशिश करता है तो आप कुछ सवाल करेंगे उनसे, जैसे कि फाइव ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है एस ऑफ सोर्ड्स ने, ओके, एट ऑफ कप्स ने, और एट ऑफ पेंटिकल एंड एट ऑफ कप्स ने, ठीक है। आपको कार्ड्स दिख ही रहे होंगे, एक सेकेंड, भैया ठीक है, कार्ड्स आपको दिख ही रहे होंगे। सो यहाँ पे आप कुछ सवालात करेंगे। सबसे पहला तो कि अगर आप छोड़कर गए थे तो क्यों, अगर आ रहे हो तो क्यों, अगर आ ही रहे हो तो कुछ दिन के लिए आ रहे हो, या फिर सच में कुछ परफॉर्म करोगे, अपना 100% दोगे, कुछ एटलीस्ट अपना इन्वेस्ट करोगे इस रिलेशन में, ठीक है। ये कुछ सवालात हैं निम्नलिखित जो कि मैंने अपनी तरफ से गैस किए हैं, आप कुछ भी अपनी तरफ से पूछ सकते हो, ठीक है, जो आपकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप पे रेजोनेट हो, आपको वो क्वेश्चन पूछने हैं। आपको बस अपनी फीलिंग को लेकर इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। और बहुत ही एक ऐसी एनर्जी में है जो सल्यूट के काबिल है, वाकई में आप लोग बहुत अच्छे एनर्जी में हैं। अगर आप सेल्फ लव कर रहे हैं, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में तरक्की को, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे ट्रू लव को, और आप इस चीज़ को लेके बड़े क्लियर हैं कि आप धोखेबाज को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देंगे, ठीक है, तो आपको लॉयल्टी बहुत ज़्यादा वो होगी, इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर आपके लाइफ में वैसा ही इंसान आ रहा है, ठीक है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी पास से तो नहीं है ये इंसान, बिकॉज आप जिस एनर्जी में हो आप पास के पर्सन को एक्सेप्ट करोगे ही नहीं, आप किसी नए पर्सन को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे। आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा बोल्ड, बहुत ही एक तरीके से अगर मैं शॉर्ट में बोलना चाहूँ तो एक्सप्लेन करना भी थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, ना शॉर्ट में ना डिटेल में। आप जिस एनर्जी में हो बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि वो एक तरीके से आपको सल्यूट करने का मन कर रहा है कि आप इस इतनी खूबसूरत एनर्जी, मतलब दिल जीत लिया आपने मेरा, सच में इतनी खूबसूरत एनर्जी कि मैं आपको बता नहीं सकती, पर खुश हो गई ये रीडिंग देख के, जिसकी भी रीडिंग है बहुत प्यारी रीडिंग है। आप जिस तरीके से अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, जिस तरीके से आप अपने लिए लड़ रहे हो, खड़े हो अपने लिए, सच में ये बहुत ही हिम्मत वाला काम है। बिकॉज काफ़ी लोग तो अपनी पूरी उम्र ये सोचने में बता देते हैं, क्या हम अपना पक्ष रखें, कहीं ऐसा ना हो कि हम संसार को कुछ बोलें और ये हमें छोड़कर चला जाए, तो इस एनर्जी में ही लोग अपनी पूरी उम्र बता देते हैं, और फिर ऐसे इंसान इनको थर्ड पार्टी में पुट भी करते हैं, इन एंड आउट भी करते हैं, यूज़ करके छोड़ देते हैं, समझ रहे हैं आप। इसीलिए आप जिस एनर्जी में हो आप इसी ही एनर्जी में रहिएगा लाइफ टाइम, दोस्ती हो, रिश्तेदारी हो, या फिर प्यार, या फिर कुछ भी हो, आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और आप यहाँ पे मेरे ख्याल में जिसकी एनर्जी है आप कॉम्प्रोमाइज़ करने को बिल्कुल तैयार नहीं है, आपको यही लग रहा है कि चाहिए तो इक्वल गिव एंड टेक, अदरवाइज़ हम सिंगल ही उड़िया, समझ आ रहा है आपको, कुछ इस तरह की एनर्जी में आप हैं। कम्युनिकेशन अगर देनी है तो बराबर की देना, झूठी कमिटमेंट नहीं चाहिए आपको कम्युनिकेशन के बिना, मतलब आपका नेचर ऐसा है कि आप किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करते होगे। हाँ, स्टार्टिंग में जब आप सोशल मीडिया से जुड़े होगे तब आप बहुत बातों नहीं होगे, लेकिन अब आप फिर से ब्लूबर हो गया, अब आप एक
एक्सपीरियंस इंसान बन चुके हो अपनी लाइफ में, आपने काफ़ी कुछ सीखा है, अपने एक्सपीरियंस काफ़ी लिए हैं अपने अपनी लाइफ से, एंड वहाँ पर अब आप उन सारे एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में फॉलो कर रहे हो, ठीक है, ताकि आपको जो अपने पास्ट में सीखा गलत खोकर वो अब आपको सही खोकर ना भुगतना पड़े। इस वजह से आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा इस एनर्जी में हैं कि सही के साथ सही और गलत के साथ गलत, ठीक है। अगर कोई इंसान सही है तो आप उसके लिए हमेशा खड़े रहेंगे, मेरे को यहाँ पे एम्प्रेस है, ठीक है, और अगर कोई यहाँ पे गलत है तो किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं किंग ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ही स्ट्रिक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, गलत सहन नहीं होता बिल्कुल भी। हालांकि अगर पर्सनल लाइफ में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, बट धोखाधड़ी पसंद नहीं होती है इन्हें, झूठ पसंद नहीं होता है बिल्कुल भी। अगर आप झूठ बोलें तो, क्योंकि बिकॉज हैं ये एयर साइन, ठीक है, जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन कुंभ एंड तुला, या ये सारे साइंस हैं इस इंसान के, मतलब इनमें से कोई, मैं ये नहीं कह रही हूँ सारे साइन हैं, इन द सेंस के एयर साइन। अगर आपका पार्टनर इस एनर्जी में है तो सीरियसली ये बहुत गुस्से के तेज़ हो सकते हैं, ठीक है, इनको ये बोल देते होंगे, सोचते बात में होंगे, या फिर ये बस ये सोचते हैं कि मुझे बोलना है, क्या बोलना है इस बारे में इतना फोकस नहीं करते हैं। इनको आया गुस्सा, इन्होंने बोलना शुरू किया और बस बोलते ही चले गए, फिर आपको बुरा लगता है भला लगता है इनको फ़र्क नहीं पड़ता। झूठ पसंद नहीं है, ठीक है, और बहुत फैमिली ओरिएंटेड, एक बार जैसे प्यार कर लिया लाइफ टाइम निभाते होंगे, इस टाइप का नेचर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ एयर साइन काफ़ी, वैसे तो काफ़ी मतलब वैसे काफ़ी गुस्से के तेज माने जाते हैं, लेकिन अगर एक बार किसी को हाँ कर दी, वो कहते हैं ना एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं किसी की नहीं सुनती या सुनता, मैंने सबको ऐड कर लिया यहाँ पे, फीमेल मेल सबको, तो उस टाइप का नेचर है यहाँ पर, ठीक है। एक बार जो हाँ कर दी फिर इन पीछे मुड़ के नहीं देखने वालों में से होते हैं, चाहे एक्स्ट आ जाए नेक्स्ट आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर एक से हाँ कर दिया तो उसी के साथ में हाँ कर दिया, ठीक है। और अगर किसी ने एक बार धोखा दे दिया तो उसको पीछे पलट के भी नहीं देखते, इसमें बड़े एक्सपर्ट होते हैं ये, ठीक है। तो अगर आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हैं तो कभी भी इनसे, आपके एयर साइन से कभी भी कड़वे शब्दों में आप बात ना करें, कड़वे तरीके से आप कभी बात ना करें, ठीक है। और अगर आप प्यार से बोलेंगे तो जान भी हाजिर है, बस गुस्सा मतलब जो एटीट्यूड ना, चलो ऐसा करो, इस तरह के एटीट्यूड से आप कभी कोई काम नहीं करवा सकते। पर आप प्यार से बोलो, यार पता है ये काम तो केवल तू ही कर सकता है, मुझे पता है तू कर सकता है, फिर देखिए ना, इन्हें कुछ नहीं चाहिए बिकॉज इनके पास सब होता है, इनकी मतलब सभी साइंस की किस्मत अच्छी होती है, लेकिन ये बहुत मुफ्त होते हैं, तो इन पे खुदा ज़्यादा मेहरबान, सब पे बराबर मेहरबान होता है, लेकिन ये थोड़े क्यूट माने जाते हैं, पता नहीं क्यों, मुझे लिब्रा जो होते हैं और कुंभ राशि जो होती है वो बड़ी क्यूट मानी जाती है, ठीक है, और काफ़ी इनोसेंट, हालांकि ये काफ़ी मतलब इस तरह के इंसान होते हैं, एक बार अगर किसी ने धोखा दे दिया तो पीछे मुड़कर नहीं देखते। अगर आपकी लिब्रा या कुंभ में से मतलब एक्वेरियस में से कुछ है तो आप कभी भी ऐसे इंसान को मतलब गलत वर्ड ना कहें, ठीक है। और सैजिटेरियस है, कुंभ है, धनु राशि, इस टाइप की कोई पर्टिकुलर राशियां हैं तो कभी भी आप उनसे कड़वे शब्द ना कहें, ठीक है, क्योंकि ऐसे इंसान को ना बैलेंस बड़ा पसंद होता है, लिब्रा और सैजिटेरियस इन दोनों को ही बैलेंस बहुत पसंद होता है, चाहे वो दोस्ती में हो, रिश्तेदारी में हो, लव लाइफ में हो, मैरिज लाइफ में हो, कहीं पर भी हो, इक्वल गिव एंड टेक पसंद होता है। आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगता होगा जब आप इनसे मीठी मीठी बातें करते होगे, हालांकि इसके आदि नहीं है, लेकिन हाँ उनका नेचर ऐसा है कि अगर आप उनसे ऐसी बातें करते हो वो खड़े खुश हो जाते होंगे, उनको कुछ नहीं चाहिए, आप बस दो बातें अच्छे से कर लो, हंस के कर लो, गले लगा दो उनको, आप उनका ख्याल रखना, लॉयल जरूर रहना उनके लिए, बिकॉज लॉयल्टी उनकी फर्स्ट ऑप्शन की उनकी लिस्ट में फर्स्ट ऑप्शन पे होती है लॉयल्टी। प्यार झूम के करते हैं तो गुस्सा भी झूम कर होते हैं, हक जताते हैं अपना, आप किसी और का होते नहीं देख सकते, और ऐसा कोई आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। एनर्जी काफ़ी ब्यूटीफुल है, लेकिन कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, अगर ये इंसान को गुस्सा आ गया तो फिर आपको मनाने में नानियत आ जाएगी, कुछ ऐसे यकीन, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि एयर साइन हो सकते हैं स्पेशली आपके पार्टनर, सन मून राइजिंग और वीनस के अकॉर्डिंग जो भी है, ठीक है। चलिए देखते हैं आउटकम में क्या है आपके लिए, फिर हम यूनिवर्स की तरफ से कोई एक कार्ड निकालेंगे, वैसे आउटकम में क्या है आपके लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा गाइस, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना प्यार सपोर्ट ज़रूर दें चैनल को। ओके लेट्स सी,
दो कार्ड्स, नौ। पहला कार्ड है आपका आउटकम में सिक्स ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। आपका या इस इंसान का सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, या फिर हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को चाइल्डहुड यानी कि बचपन से जानते हों। सिक्स एंड सेवन, सेवन ऑफ कप्स, हायरोफेंट, ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टॉकिंग, शॉकिंग, आपके पार्टनर को किसी ने मे भी ये बता दिया कि आपकी शादी या कमिटमेंट हो चुका है, ये बताया है किसी ने आपके पार्टनर को। ओके, हैंड दो कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स, हाई प्रेस्टेज, वाई इज नाइट ऑफ पेंटिकल, अगेन सी व्हाट एम आई कैट, टेन ऑफ वांड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, सो यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग या तो आपके पास या फिर आपके पार्टनर के पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे आपकी तरफ आने से पहले, ठीक है। जब ये आपकी तरफ आएंगे तो उनमें से आप एक ऑप्शन होगी, लेकिन उससे पहले की बात बता रही हूँ मैं, लेकिन जब ये आपकी तरफ आएंगे तो हज़ारों लोगों को छोड़कर देन आपके पास आएंगे, बिकॉज इस इंसान को कमी कुछ नहीं होगी, बट ये आपके लिए फील करते होंगे जस्ट बिकॉज ये आपको चुनेंगे। सेवन ऑफ कप्स यहाँ पर है एंड सिक्स ऑफ कप्स है, तो ये इंसान आपके साथ में एक सोल कनेक्शन फील करता होगा, और इसीलिए ही उस सोल कनेक्शन के दम पर हज़ारों ऑप्शंस को इग्नोर करके ही आपको कमिटमेंट देगा, बिकॉज यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स के जस्ट बाद जो एनर्जी है वो क्या है, हायरोफेंट। हायरोफेंट क्या बताता है, एक शादी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, पार्टनरशिप यानी कि शादी कमिटमेंट, पति पत्नी वाला रिश्ता। आपके पार्टनर आपको स्टॉक भी कर रहे हैं इस वक्त प्रेजेंट में, भले ही आपको लगता हो कि इस इंसान की नज़र आप पे नहीं है, ये लेकिन 24 घंटे आपको देखते हैं, ठीक है, इनकी नज़र आप पे रहती है। आपको बहुत मे बी इनको या तो किसी ने ये बता दिया है कि आप और ये जो हैं, मतलब आप किसी और के साथ कमिटेड हो गए हो, मे बी इस इंसान को किसी ने गलत एनर्जी बताई है, ठीक है, और उसी की वजह से इनको लग रहा है कि आपने इनको चीट किया है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको चीट किया है, मतलब वाइस वर्सा जैसा भी लग रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी एक इंसान को लग रहा है कि मुझे चीट कर दिया है, क्योंकि गलत फहमी क्रिएट की गई है यहाँ पर सेवन ऑफ सॉर्ड्स। तो एक इंसान को फीलिंग आ रही है भाई क्या कहें अब, ठीक है, तो इस तरह का कुछ है यहाँ पर, लेकिन वो झूठ है। अगर आपको लगता है कि हाँ अगर सच में हो गई है तो आप पता करें, अगर नहीं हुई है तो फिर अगर नहीं हुई है तो आप आगे बढ़ें, अगर हो गई तो फिर आप पीछे हो जाएं, बिकॉज ये आपके लिए ज़रूरी रहेगा कि आप किसी चीटर के साथ में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस ना पहुँचाएं। क्वीन ऑफ वांड्स सेवन ऑफ सॉर्ड्स के जस्ट बात आया है, ठीक है, तो ऐसे इंसान को आप बिल्कुल भी हक ना दें जो आपको ऑलरेडी चीट कर चुका है किसी अदर पर्सन के लिए, ठीक है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज़ करें, अपने आप को चूज़ करें, बाकी आपके लाइफ में स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी, बिकॉज आप डिज़र्व करते हो रिलेशनशिप गाइस, आप थर्ड पार्टी डिज़र्व नहीं करते हो। ओके, चलिए यूनिवर्स की तरफ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। सेल्फ लव करें, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, जो चीज़ आपको आप आगे बढ़ने से रोक रही है ज़रूर या तो वो आपकी डेस्टिनी में नहीं है, या फिर ओके एक कार्ड यहाँ पे आ चुका है। ओके, सो गाइड यहाँ पे आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, आपकी लाइफ कुछ अभी करेंटली कुछ मे बी चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में, उन चेंजेस को आपको एक्सेप्ट करना है, वो काफ़ी पॉजिटिव होंगे। अपने इंट्यूशन को, अपने अपने सोल को आपको एक्सप्रेस करना सीखना है, किस तरीके से आप खुद को अपने भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपना पक्ष रख सकते हैं, आपको ये सीखना है। ओके, सो गाइस यदि आपकी रीडिंग पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर एवरीवन।